नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय पांडे स्वागत करता हूं आपका इस शेयर में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर टू के ऊपर। देखिए, मेरा एग्ज़ाम जो था वो 13 को था, और एग्ज़ाम कैसा रहा और किस हिसाब से आया है, क्योंकि देखो लोग बता रहे थे काफ़ी आसान एग्ज़ाम है, काफ़ी अच्छा है एग्ज़ाम। तो ये आप बाहर से कह सकते हो, एग्ज़ाम जो हो टफ नहीं है। आप अगर आपको 3 घंटे या 4 घंटे मिलेगा तो आप भी सारे क्वेश्चंस कर दोगे। लेकिन वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही थी, कैसा हुआ है और कितने अटेम्प्ट, मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है अगर आपने इतने अटेम्प्ट करे हैं तो आप मतलब आप सेफ हो। तो आप इस वीडियो देखिएगा पूरा, बहुत बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनेगी, लेकिन ये है कि आपको यहाँ से काफ़ी अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपने क्या क्या गलतियाँ करी होंगी। और ये गलतियों बहुत बहुत अच्छे ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन जो बहुत अच्छे प्रिपरेशन करे हुए थे फिर भी उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा नहीं हो पाया है, और ये बहुत लोगों के साथ हुआ है। तो मैं आपको शुरू करता हूँ, आपको एनालिसिस बताता हूँ किस तरह की है। तो देखो, कल का जो एग्ज़ाम था उस मैथ के एग्ज़ाम में जो पोर्शन आ रहा था वो तो वही था, 60-40 वाला रेशियो था। मैथ के क्वेश्चंस ऐसे थे कि आप क्वेश्चन जब देखोगे तो आपको देखो कुछ कुछ क्वेश्चंस में तो था वैल्यूज कि 23% दे रखा है, 12% दे रखा है, या 18%, या मतलब ऐसी वैल्यूज दे रखी हैं जो एकदम सिंपल नहीं होती हैं। थोड़ा सा आप अप्रॉक्स लगाओगे तो आप निकाल लोगे आंसर। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसको आप देख के आपको मन करेगा कि मैं इसको अटेम्प्ट करूं, और आप करेंगे। जो कुछ क्वेश्चंस तो गलत थे, जैसे हमारे वाले कल में एक एलिगेशन का क्वेश्चन आया था, वो गलत आया था। उस पर बहुत लोगों का बहुत टाइम गया, मेरे भी लगभग 3 मिनट चला गया होगा, और वो लग रहा था कि ये क्वेश्चन में कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगी वरना क्वेश्चन सही होगा। और एक दो क्वेश्चन अगर मान लीजिए कि अगर गलत आपने पहले आपके में आ गए, या आपने पहले ही उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया, और उन 3 क्वेश्चन से ये समझ लीजिए पूरा पेपर ख़राब हो सकता है। तो मेरे बहुत से ऐसे मित्र थे जिन्होंने जिनके प्रीलिम्स में 170-175 से अबव थे, लेकिन उन्होंने 60 तक क्वेश्चंस कर पाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते थे, पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है लोगों का, प्रॉब्लम ये आ रही थी। तो यहाँ पे बहुत बार ऐसा होगा, देखिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे अभी जब रिजल्ट आएगा कि 170+ उनके टीयर 1 में थे, लेकिन उनके टीयर 2 में मैथ्स में बेकार हुआ है, मतलब अटेम्प्ट बेकार हुआ है। लोग कह रहे हैं कि पेपर बड़ा हलवा आ रहा है, तो क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के नहीं है। अगर घर पे दे दोगे क्वेश्चन वो सब लोग कर लेंगे, बाद में अभी जब आंसर की आएगी तो लोग सॉल्व भी करवाएंगे पेपर, कहेंगे ये तो 2 मिनट में हो जाना चाहिए था, और लोगों को इतना टफ लगा। होता क्या है कि वहाँ पे जो टाइम का प्रेशर होता है ना वो काम खराब करता है, तो वहाँ पे वही दिक्कत हुई है। तो कल का पेपर जैसा आया था, तो मुझे जहाँ तक लगता है जितना कि इतना अटेम्प्ट बहुत अच्छा हुआ। तो देखो, 75 क्वेश्चंस तक करे जा सकते थे, और 75-80 क्वेश्चंस अच्छे अटेम्प्ट माने जाएंगे। इतने अगर किसी ने क्वेश्चंस करे हैं तो उसने अच्छे अटेम्प्ट करे हैं, उसका टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा। देखो टाइम तो सबका थोड़ा थोड़ा तो वेस्ट हुआ ही होगा, बहुत ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसको आपने अटेम्प्ट किया होगा और उसमें टाइम हमारा चला गया होगा। तो देखो जितने भी DI क्वेश्चन थे वो बहुत आसान थे, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15-20 सेकेंड या 30 सेकेंड या 45 सेकेंड तक बना लोगे, मतलब ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे। DI के जितने क्वेश्चन के अलावा जो एडवांस क्वेश्चन थे, मेंसुरेशन से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, आप उनको भी बना सकते थे। तो ये मेन वहाँ पे प्रॉब्लम करेगी आपको कि अगर आपने कोई चीज़ मिस कर दी है, वरना फॉर्मूला बेस्ड पे सिंपल सिंपल क्वेश्चन से आपको जो शेप होता है मेल्ट करके दूसरे शेप में डाल देगा, उस पर 2 क्वेश्चन थे। ट्रिकों के क्वेश्चन अच्छे थे, कई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा आया था जिसमें आपको थीटा की वैल्यू पुट करने पर आपको आंसर तुरंत नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 ऑप्शन जो हैं वो सेम सेम थे, तो ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन जो प्रॉफिट लॉस के, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे आए थे, मतलब डिस्काउंट्स के भी क्वेश्चन और जो बाकी क्वेश्चन थे वो बहुत मतलब लेवल उनका अच्छा था। क्वेश्चन देखो टफ क्या होता है, जैसे मैं कहूँ कि ये क्वेश्चन ईजी है, ये क्वेश्चन अगर हमने कम टाइम में कर लिया तो ये क्वेश्चन वो ईजी है, और अगर जैसे ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन ईजी नहीं है, क्वेश्चन ट्रिकी हैं। आप हो सकता है किस रास्ते पे आप उस क्वेश्चन को लेके चले जाओ और वहां पे आप कितने कहाँ पे पहुंच जाओ, तो मेन क्वेश्चंस ट्रिकी आ रहा है, इसलिए पेपर थोड़ा सा लेंथी लग रहा है और इसलिए अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो मैथ में इस बार दो CGL 2017 में जिन लोगों ने बहुत अटेम्प्ट करे थे उनके भी इस बार अटेम्प्ट कम हुए हैं। वहाँ पे 80-80, 85-85 क्वेश्चन करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो 70 पे पहुँचे हैं, बहुत लोग 65 पहुँचे हैं, ऐसा है। तो अगर जिन्होंने 60 भी अटेम्प्ट किया है, अगर इंग्लिश में उनके ठीक ठाक हो गए हों और अगर उन्होंने टीयर 1 में अच्छा स्कोर किया है, तो वो बहुत ज़्यादा होपलेस मत होइए।
आप अभी भी रेस में हैं, ठीक है। और जिन्होंने अगर 70 तक कर दिया है, ज़्यादा एक्यूरेसी है, 70 75 80 तक किए है, तो वो तो समझ लो आप एक अपर एज पे रहोगे, क्योंकि आपको काफ़ी फायदा होगा उसका। और जैसा लोग बता रहे हैं, वैसे तो देखो मैं तो नहीं कह सकता हूँ किसी का भी, क्योंकि किसी ने दूसरे का पेपर नहीं देखा है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि 13 का जो पेपर आया था वो थोड़ा सा अच्छा आया था, उसमें ज़्यादा कैलकुलेटिव था। लेकिन सभी लोग अपने अपने दिन के लिए कहते हैं 19 20 थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, तो देखो वो नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, आपको कोई लॉस तो होगा नहीं। जिसका भी पेपर जैसा भी आएगा वो फर्क पड़ जाएगा, लेकिन तब भी लगभग लगभग एक जैसे ही पेपर था। थोड़ा बहुत कोई पेपर टफ हो सकता है, इंग्लिश जो है वो सही थी, लेकिन मुझे लगता है कल के पेपर में इंग्लिश अच्छी आई थी, और शिफ्टों से लोगों को लगेगा सेम आई थी, क्योंकि मुझे कल के पेपर में लगा था, देखो ईडियम जो है वो अलग तरीके से पूछा था, आपको सेंटेंस दे के पूछा था, ठीक है। वोकैब जो थी, वो वन वर्ड जो थे वो प्रीवियस ईयर वाले पूरे रिपीट रिपीट नहीं थे, बहुत से ऐसे थे वोकैब जो नए थे। जो जो सीजल 2018 के पेपर में से रिपीट रिपीट भले हो गए होंगे, लेकिन बहुत प्रीवियस ईयर में जाओगे बहुत पीछे, वहां से रिपीट नहीं होगा। तो अगर देखो जैसा TCS ने पेपर दिया है, आप अगर Tier 1, हमने दो जिन लोगों ने 2018 का Tier 1 जो ऐसे शिफ्ट में दिया था जहाँ पे ज़्यादा पेपर टफ नहीं आया था, तो उनको बहुत शॉकिंग लगा होगा, क्योंकि उन्हें ये नहीं आइडिया होगा कि क्वेश्चंस कैसे आए थे। लेकिन जिनका जो एग्ज़ाम टफ शिफ्ट में हुआ था, जिनको नॉर्मलाइजेशन का काफ़ी फ़ायदा मिला, उनका एग्ज़ाम Tier 1 में भी ऐसे आया था जैसे Tier 2 में आया है मैथ्स। तो मैथ्स जो थी वो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव थी, बहुत आसान पेपर नहीं था, ये तो आप मान के चलिए। अगर जिन्होंने 75 80 क्वेश्चन कर दिए हैं वो बहुत अच्छे हैं, और इसका मतलब ये भी नहीं कि जिनके 50 क्वेश्चन हुए उनके अंदर वो नहीं थी, क्षमता नहीं थी कि वो कर नहीं पाते थे, उनका टाइम बहुत वेस्ट हो गया है। कई के क्वेश्चनों में उन्होंने 5 5 6 6 मिनट लगाए, 7 7 मिनट लगाए। जिन बंदों ने 100 क्वेश्चन देख लिए हैं, तो ये समझ लिए उन्होंने 70 तो करे ही हैं। मिनिमम आपको 100 क्वेश्चन देखने थे कम से कम, कि आप 100 क्वेश्चन तक पहुंच जाओ, तो आप इजिली बाद में जो आपके पास 20 30 मिनट बचेगा, तो आप आराम से वहां पे कुछ भी क्वेश्चंस कर सकते थे। तो इस तरीके की अप्रोच रखी होगी जिसने, वो अटेम्प्ट कर लेगा ठीक ठाक। तो मुझे जहां तक लगता है कि 75 क्वेश्चंस तक अच्छे अटेम्प्ट माने जाएंगे इस पेपर में। इंग्लिश की बात क्या किया जाए, तो इंग्लिश में देखो लोग तो सभी लोग जो जिन्होंने 50 तक किया है मैथ में, उन्होंने सबने 200 इंग्लिश में किया है, सबने 200 मारे हैं, लेकिन कितने सही होते हैं ये बहुत डिपेंड करता है। अब ज़्यादा करने के चक्कर में अगर गलत हो गए आपके ज़्यादा, तो फिर वहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉस होगा। लेकिन मुझे लगता है 185 90 192, मतलब थोड़े से जो वोकैब थे मुझे लगता है वो छोड़ने वाले थे, और कुछ जो थी जैसे क्लोज टेस्ट में एक दो मुझे मुझे लगा था प्रॉब्लम, एक उसमें दो तीन ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो रहा था, दो में ऑप्शन में, तो वो हो सकता है कुछ छूट गई हो, ठीक है। और कहीं अगर आपको लगता है एरर में दिक्कत हो रही हो, जैसे एक सेंटेंस इम्प्रूवमेंट मुझे बहुत सही लगा था, वेल ट्रैप्ड करके था कुछ ऐसा था, उसमें मुझे टाइम लग गया था। तो ऐसे कई क्वेश्चंस थे, मतलब कहने का मतलब 190 क्वेश्चन तक करे जा सकते थे। इंग्लिश का पेपर ऐसा था कि अगर स्पीड से है आपकी तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पेस भी वैसे ही आए थे, और बस मिसलेनियस था, तो इतना आपको नहीं पता चलेगा कि कब कितने क्वेश्चंस आए, क्योंकि सब वैसे ही क्वेश्चंस आए थे। वोकैब जो थी, मिस स्पेल्ड जो थे वही दो तीन थे, और ठीक थे मिस स्पेल्ड। मिस स्पेल्ड में क्या है कि आप जितने अगर आपने पहले प्रीवियस ईयर पढ़ रखे हो उसी में से आया था, तो वहाँ पे भी ठीक है। और मैथ्स का पेपर जो ऐसा है वो भी मैंने बता दिया, तो उधर 190 और उधर 75। अब मार्क्स कितने सही रहेंगे, मैं कट ऑफ के बारे में बताता हूँ आपको। तो देखो लोग कह रहे हैं कि 600 प्लस पहुँच जाएगा, तो देखो 600 तो नहीं पहुँचने वाला, ये तो सीधी बात है, क्योंकि 2017 CGL मेंस भले टफ आया था, लेकिन लोगों ने अटेम्प्ट जरूर कर लिए थे। क्योंकि हुआ क्या है, देखो जो क्वेश्चंस मान लीजिए टफ है, जो मुझे देख के डायग्राम देख के मुझे पता चल रहा है कि क्वेश्चन टफ है, तो जाहिर सी बात है मैं उसे अटेम्प्ट ही नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत वो हो रही है जैसे जो टाइम बर्बाद हो रहा है, क्वेश्चन देखने में हमें टफ नहीं लग रहा है, हमने अटेम्प्ट किया टाइम बर्बाद हो गया, तो वहां पे टाइम तो बर्बाद नहीं हुआ था, और वहां पे जो अर्थमेटिक क्वेश्चन थे बहुत ईजी थे, वहां पे सही में अर्थमेटिक क्वेश्चन हलुआ थे 2017 के मेन्स में, और बाकी क्वेश्चन अगर ठीक ठाक कर लिए तो लगभग 70 के पार तो पहुंच ही गए थे बंदे, और जो बहुत अच्छे थे उन लोगों ने 85 90 तक पहुंच गए थे। तो ऐसा लोगों ने किया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत से क्वेश्चंस में लोग उलझ गए, उनका टाइम वो सही से मैनेज नहीं कर पाए। मेन मैंने तो ये देखा जो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके बैठे हुए थे उनका पेपर ज़्यादा बुरा हुआ, क्योंकि वो अंडर प्रेशर में आके एग्जाम दिए, क्योंकि कहीं बुरा ना हो जाए, पेपर बहुत टफ आ रहे हैं, पेपर कैलकुलेटिव आ रहे हैं, और वो प्रिपरेशन तो बहुत कर रहे थे। देखो कॉन्सेप्चुअल बहुत पेपर टफ नहीं था, कॉन्सेप्ट तो था ही नहीं ज़्यादा कुछ,
लेकिन वही था कि टाइम कैसे मैनेज करोगे आपको, तो ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को हुई है। तो ये चीज़ ये मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक अगर लोगों ने टाइम मैनेज कर लिया सही से, तो वो इजीली उस एग्ज़ाम को, मतलब वो पेपर उनका बहुत अच्छा गया होगा। अगर टाइम मैनेजमेंट आपको अच्छे से आई होगी, आपने सभी पहले इजी इजी क्वेश्चन कर लिए होंगे, तो आप 80 भी आराम से कर सकते हो, 80-85 क्वेश्चन तक भी कर सकते थे। लेकिन ये है कि 75 एक एवरेज अटेम्प्ट बता रहा हूँ, 75 मतलब कर सकता था। एक बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया हुआ बच्चा है और जिसने टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो पाया, तो 75 तक क्वेश्चन तक हो सकते थे कल के पेपर में भी। अब देखो, जिन्होंने कम किया, मैं उसको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बेकार हो। हो सकता है कि आपका टाइम बहुत वेस्ट हो गया हो किसी उस क्वेश्चन पे और आप ना कर पाए हो, वरना अगर आप बाद में पेपर देखिएगा जब आंसर किया है कि, तो आपको खुद लगेगा कि 75 तक तो आप आराम से पहुँच सकते थे। तो ये मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ थोड़ा सा कितना जो है, लास्ट ईयर से लास्ट ईयर 2016 तक पहुँचते हैं। 2016 में जो कट ऑफ गई थी सबसे कम 515 गई थी। मेंस की जो कट ऑफ गई थी 2017 में, 2017 में मेंस की कट ऑफ गई थी 415 नंबर जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। तब गई थी जब मैथ्स में भी लोगों ने पेपर बहुत टफ आया था, मैथ्स में लोगों को बहुत स्कोर नहीं हुआ था। लगभग आप मान के चले तो एवरेज मार्क्स मुझे लगता था पिछले साल 160 नंबर थे एवरेज मार्क्स, ठीक है। कुछ बंदों के 180 से प्लस थे, लेकिन कुछ ही थे, बहुत अधिकतर लोगों के 160 के आसपास नंबर थे, 160 यानी 150 से 170 के बीच में, ठीक है। इंग्लिश में पिछली बार लोगों ने अच्छा स्कोर किया था, तो इंग्लिश जो है लास्ट ईयर की तरह थी, लेकिन लास्ट ईयर से थोड़ा सा मुझे लगता है, थोड़ा सा मतलब 19-20 का फर्क होगा, थोड़ा सा अच्छी होगी पैसेज, क्योंकि 10-10 वाले आ गए थे, बड़े आ गए थे पैसेज, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंग्लिश में आप देखेंगे तो वैसा ही पेपर आया है लास्ट ईयर की तरह, उतने ही मार्क्स आएंगे, थोड़ा सा 19-20 का फर्क पड़ेगा किसी शिफ्ट वाइज या किसी में वोकैब वाइज, और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इंग्लिश में। मैथ में क्या है, इस बार जो है एवरेज पिछली बार से कम हुआ है, यानी अगर पिछली बार 160 एवरेज था, तो इस बार मुझे लगता है 140 एवरेज होगा। मतलब 70 क्वेश्चन जो है ये एवरेज अटेम्प्ट है, 70 क्वेश्चन मतलब 140 नंबर तक जिन्होंने किया है, तो ये एक एवरेज मार्क्स होंगे। और जो बहुत अच्छा टॉपर होगा, बहुत अच्छा स्टूडेंट होगा, उसके आप देखेंगे 170 175 नंबर मैथ्स में बनेंगे इस बार, और वो सही में बहुत अच्छा होगा। तो अगर आप 140 इधर माने और इंग्लिश में मान लेते हैं, इंग्लिश में 170 160 165 160-165 तक इंग्लिश में ही बन जाएंगे, तो इधर आप 400 में से लगभग 300 मान सकते हैं, 300 320 इतने ही कर सकता है कोई बहुत अच्छा बच्चा हो, 300 320 जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और प्रीलिम्स में अगर आप मान के चलें 150 में, एक मान के चलता हूँ कि एक क्राइटेरिया रखें, वैसे तो 137 है, लेकिन मैं 150 मान के चलता हूँ, क्योंकि पिछली बार भी जो है 130 आपका 126 तक पहुँच गया था कट ऑफ। तो अगर हम 10 नंबर इधर मानते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में लोगों के नॉर्मलाइज बहुत हुए हैं मार्क्स, तो लोगों के बढ़े बहुत हैं, अब 170 से ऊपर ही बहुत बच्चे हैं, लगभग 15,000 बच्चे, और उसमें भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स बहुत 170 से ऊपर थे, लेकिन वो लिस्ट 2 लिस्ट 3 के लिए, वो लिस्ट 1 लिस्ट 2 का उन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया था, तो वो लिस्ट 3 में ही थे केवल। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके 170 से प्लस थे या 165 से प्लस थे, उन्होंने नहीं किया था। तो ये चीज़ समझ में आ रहा है कि वो काफ़ी टीयर 1 में बहुत बच्चे थे, तो टीयर 1 में थोड़ा सा एक एज मिलता है वहाँ पे, कि टीयर 1 में लोगों के लास्ट ईयर इतने मार्क्स नहीं थे जितने टीयर 1 में इस साल है, लोगों के 200 प्लस भी हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैथ में लास्ट ईयर से कम बने हैं लोगों के मार्क्स, बहुत अंतर नहीं आएगा, लेकिन 20-30 नंबर का आएगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है जो कट ऑफ जाने वाली है, मतलब मेन्स के लिए, वो 420 425 इतनी ही लगभग होगी, मतलब यहाँ तक ही कट ऑफ जाएगी और ज़्यादा नहीं जा सकती है। और ये प्लस डिपेंड भी करता है कि देखो कितने अटेम्प्ट हो सकते हैं, ये तो मैं एक एनालिसिस कर रहा हूँ कि इतना जा सकता है, तो मुझे लगता है 420 425 तक अगर आपके बन जा रहे हैं ऐड कर करा के जनरल कैटेगरी में, तो ये आपके लिए ये थोड़ा सा सेफ है। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो 450 से कम में बात नहीं बन पाएगी, 450 से ऊपर होने चाहिए आपके मार्क्स टोटल अगर आप ऐड करें, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं वो स्कोर करेंगे। तो ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। और इस पे तो देखो क्या कल की स्थिति कैसी थी बच्चों की, आप ये समझिए, मैंने बहुतों से पूछा था, मेरे कई मित्र थे, कम से कम 6-7 तो मेरे ही फ्रेंड थे जिन सब लोग हम लोग एग्जाम देने गए थे, तो सभी बहुत लोग के तो अटेम्प्ट अच्छे थे, बहुत लोग ने, एक मेरे फ्रेंड ने 78 किया और मेरी भी अटेम्प्ट ठीक है, मतलब 70 के ही आसपास है, बहुत नहीं हो पाए, मुझे भी लगा कि टाइम काफ़ी वेस्ट हो गया, मतलब कि कराए जा सकते थे और टाइम को नहीं मतलब एडजस्ट कर पाए, क्योंकि कोई मॉक टेस्ट ऐसा नहीं है जो इस तरीके का पेपर बनाए,
क्योंकि मैंने अधिकतर देखा है कि मॉक टेस्ट में या तो क्वेश्चन एकदम ऐसे होंगे कि आप हिला नहीं पाओगे या तो कोई ऐसा नहीं होगा, जबकि टीयर 2018 के टीयर 1 में और सीएचएसएल में एसएससी ने हिंट दिया था कि पेपर ऐसा आएगा जहाँ पे कैलकुलेटिव पेपर होगा, आपको आता होगा क्वेश्चन लेकिन आप कर नहीं पाओगे। तो ऐसा मॉक टेस्ट मुझे तो नहीं मिल पाया था कोई, अगर होता तो वो थोड़ा सा फ़ायदा होता। तो स्थिति क्या है, थोड़ा सा आप एक मीम देख लीजिए, सुबह ही अपलोड किया था कि जब सीजल का एग्जाम देने के बाद जब फ्रेंड लोग पूछ रहे हैं बच्चों से कि मतलब बता मैथ्स में कितने अटेम्प्ट रहे आपके, तो फिर बस यही जवाब हो रहा है कि भाई दिल से बुरा लगता है, मत पूछ मत पूछ भाई। सही है, तो ये स्थिति है मतलब एक बच्चे की, क्योंकि लोगों के मतलब जो जिनसे बहुत एक्सपेक्टेशन भी थी उनके भी ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हो पाए, और अंडर प्रेशर में आके बहुत बुरा मतलब बहुत बुरा होता है। आप अगर कोई गेम फॉलो करते हो तो आपको पता है कि अगर आप स्टार्टिंग में ही कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप कबड्डी अगर देखते होगे तो स्टार्टिंग में अगर 3 रेड में अगर आप आउट हो जाओ तो उसके बाद फिर आपसे वो मैच आपके लिए बहुत बुरा होगा, चाहे आप कुछ भी हो, आप पवन शेरावत हो चाहे सिद्धार्थ देसाई हो, आपसे नहीं होने वाले पॉइंट, नहीं स्कोर होने वाला है। तो ये चीज़ हर जगह काम करता है, यहाँ पे भी मेंटेलिटी यही थी। अगर आप देख ले रहे हैं कि मान लीजिए मैंने 100 क्वेश्चन देख लिए और 60 क्वेश्चन मेरे बोर्ड पे टंग गए हैं, फिर आपका उड़ा मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा और फिर आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। मार्क फॉर रिव्यू यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मतलब अगर वही बात है ना, थोड़ा सा ऐसा अगर मॉक दिया होता लोगों ने तो काफ़ी फायदा होता। अब लोग अगली बार के लिए इससे थोड़ा सा अवेयर रहेंगे, और ये समझ लो एसएससी हर साल कुछ ना कुछ नया करेगी, तो आप ये मत सोचिए कि अगले साल भी इस तरीके के पेपर आएगा। लेकिन ये है कि वो टीयर 1 में थोड़ा सा हिंट तो उसने दिया था, और ये चीज़ समझना चाहिए था सब लोग को।